झालावाड़ के सुनेल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद महिला के बेटे को शव को ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। बिना किसी गाइडलाइन पानला के शव का अंतिम संस्कार किया गया है। झालावाड़ की ये तस्वीरें हैं, मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीरें, और सवाल यही उठता कि आखिर ये कैसी व्यवस्थाएं हैं कि मरने के बाद भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई है और इस तरह से ठेले पर शव को लेकर जाना पड़ा। तो ये तस्वीरें, जब बहुत महामारी फैली हुई है, जब हर तरफ से दुखद नकारात्मक तस्वीरें सामने आती हैं, और उसी के बीच में ये एक और तस्वीर जहां महिला की मौत पर एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जिसके बाद महिला के बेटे, जिनको आप देख भी रहे हैं, शव को ठेले पर लेकर ले जा रहे थे। और इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से कोई मदद भी नहीं मिली। बिना किसी गाइडलाइन पालना के शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये तस्वीरें ये बताती हैं कि आखिर प्रशासन की लापरवाही कितनी है कि आखिर जब कोई मर जाता है उसके बाद भी, क्योंकि पहले बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और उसके बाद जब कोई मर जाता है तो उसके शव को एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, तो ये व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं, कितनी लापरवाही है, कितनी असंवेदनशीलता है। कि ये वीडियो बताता है कि ठेले पर ले जा रहे हैं उसके दो बेटे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए। हालांकि इन्होंने पूरी तरह से पीपी किट पहनी हुई है, लेकिन जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था, जिस तरह से एम्बुलेंस मिलनी चाहिए थी, वो यहाँ नदारद नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी रईस जुड़ गए हैं। रईस, तो ये तस्वीरें बहुत दिल दहला देती हैं, दुखी कर देती हैं। असंवेदनशीलता की ये तस्वीरें हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं प्रोवाइड करवा सकता है प्रशासन। जी जी मैम, ये है कस्बे के नवलपुरा निवासी महिला है अर्पणा सुशांता, 50 वर्षीय थी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनको डावला के गाँव के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, और इसी कोविड केयर सेंटर में इनके भाई भी भर्ती थे, लेकिन जिनकी मौत हो गई, जिसके बाद महिला के पुत्र उनको घर पे ही ले गए थे जी। लेकिन घर पर ही इनका देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पुत्रों ने प्रशासन से मांग की कि वो इनके अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए, लेकिन प्रशासन ने इनकी कोई नहीं सुनी। उसके बाद फिर दोनों पुत्रों को पीपी किट तो हॉस्पिटल ने ही उपलब्ध करा है, लेकिन वो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाए, और ना ही महिला के शरीर को पीपी उसमें लपेटा गया। इसके बाद इन दोनों ने ठेले पर महिला को लिया और शमशान भूमि तक ले गए, और वहां भी बिना किसी कोरोना गाइडलाइन के महिला का अंतिम संस्कार किया गया। जी रईस, देखिए, जिसे कोरोना होता है तो उसके लिए कोरोना गाइडलाइन भी बनाई जाती है, उस हिसाब से अंतिम संस्कार भी किया जाता है, उसको उसी तरह पैक भी बॉडी को किया जाता है, लेकिन जब प्रशासन से इसकी मांग की गई तो क्यों मना किया गया? इस संबंध में जब बीसी में जो अंकुर सोमानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतका की मौत की जानकारी मुझे नहीं थी, हालांकि मरीज के परिजन 2 मई को ही उसकी छुट्टी करवा कर मरीज को घर ले गए थे। हमारे कोविड केयर सेंटर में किसी मरीज की मौत होने पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहा इस पूरी जानकारी के लिए।